रॉकेट चला के छोड़ने वाला तो रॉकेट चला के छोड़ देता है, लेकिन उसको पता नहीं है कि कहाँ जाता है। ये मेरी खड़ी है यहाँ पे गाड़ी और ये इसके बिल्कुल साथ में है रॉकेट, बस गई गाड़ी। तो Here we go. गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं और मोनू उठ चुके हैं। मैं उठी थी 7:30 आज सुबह। ओह माय गॉड, इट्स कंप्लीट डार्कनेस। सो यस, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं उठी थी सुबह की 7:20 इन द मॉर्निंग और मोनू उठे हैं जस्ट अभी कुछ ही देर पहले, यानी कि 7:50 के पे, क्योंकि टिंगू ने हमें दुखी कर घर पर उठा दिया है। तो अभी हम लोग उठ चुके हैं। सो इसी के साथ गाइस अपना आज का नया ब्लॉग हम लोग शुरुआत करते हैं। आई होप आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे और बहुत ही मज़े कर रहे होंगे। सो लेट्स बिगिन द ब्लॉग। तो कल गाड़ी भी हमारी दिवाली में ब्लास्ट हो जाती, कोई भरोसा नहीं है रॉकेट का, कुछ भी नहीं कह सकते। अभी मैं गया था सामान लेने, वापस हम आ चुके हैं। दरवाज़ा खोलना में थोड़ा सा कष्ट होगा हमें, तो दोनों हाथ बिजी और आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ, खत्म हुआ, खत्म हुआ, खत्म हुआ। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो, इकट्ठे कर मैंने उठा दिए हैं, क्योंकि ये जो हमारे टिंगू भाई साहब हैं इनको खा जाएंगे। वो देखो वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि सामने है एक पटबुल, उसको भोक रहा है। आज मुझे लाइफ में पता चला कि कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता, क्योंकि वन ऑफ माय एक्सपीरियंस इज, मैं इससे पहले मैंने ज़्यादा कभी बनाया नहीं, दो ही बार डोसा बनाया है, लेकिन जो उसका बैटर होता है वो मैंने अपने आप घर में ही बनाया था पूछ पुछा के। लेकिन पहली बार मैं रेडी टू मेड, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट बहुत फेमस ब्रांड का मैं लेकर आई थी जो बैटर होता है, और मैंने बनाया। फिर मैं डोसा दिखाना चाहूँगी कि कैसा बना। एक्चुअली वो पता नहीं क्या बहुत ज़्यादा गीला हो गया, शायद मैं मुझे उसको और लंबे वक्त के लिए रख। सो थोड़ा सा मेस है, बट ये सारा ऐसा ही बना, फोल्ड करने के बाद एकदम चिप 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 हो रहा था। ये ज़्यादा कोशिश करी इसको पकाने की, लेकिन ये पका नहीं। सो फाइनली मैंने क्या किया, जो इनो होता है, इनो डाल वाल के जो भी इसको बनाया, पहले तो ये बिल्कुल भी नहीं बन रहा था, और अभी मैंने इसको पूरा होने के लिए, फर्मेंट होने के लिए रख दिया है मैंने इसको यहाँ पे, ताकि अब मैं इसको शाम को देखने वाली हूँ एक टेस्ट कि, वैसे इसमें थोड़े थोड़े दिख रहे हैं कि गैस बबल्स निकल रहे हैं, तो शायद ये फर्मेंट होना मांगता है और भी ज़्यादा। सो इसको शाम तक फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं, और हमारा पेट नहीं भरा इसलिए हमने राइस और ये जो सांभर था ये तो था ही, अब ये दोनों चीज़ हम खाएँगे। सांभर बंद करके एक बार मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि मुझे लेके आना है टिंगू को, क्योंकि हमारे टिंगू गुस्सा हो गया, क्योंकि वो मांग रहा था डोसे और हमने उसको डोसे दिए नहीं, सो इसलिए उसको भी मना के लेके आना पड़ेगा। स्टोर में रख दूंगी ना, ऊपर जा रही हूँ मैं। हाँ मालूम है, और ये मटका, गर्मियाँ हो चुकी हैं ख़त्म, सो इसलिए हम लोग मटके को पैकअप करके रख रहे हैं स्टोर में, ताकि जब नई नेक्स्ट गर्मियाँ आएंगी सो हम उसको दोबारा से निकालते हैं। अभी सर्दियों में इसका कोई काम नहीं है। ओए मेरे रूसले डॉगी, ये देखो भाई रूस के पड़ा हुआ उल्टिंगू, आ जा अब मैं खिलाऊंगी तेरे को डोसा, आ जा। गुस्सा हो गया ये। सो ये मटका है, इसको हम लोग रख देते हैं स्टोर में, इसका जो इस्तेमाल होगा नेक्स्ट ईयर। बाद में मेरी शक्ल बहुत गंदी दिख रही है क्योंकि मैं नहा ही नहीं हूँ, और ये हमारा स्टोर है बहुत बुरी हालत में। सो इसको कहाँ रखेंगे, तो मुझे स्टोर में और कोई जगह दिखाई नहीं दी, मैंने इस मटके को यहाँ पे रख दिया है। और ये क्या क्या रखा है यहाँ पे पता नहीं, मुंगे कपड़े हैं। सो यहाँ मटका रख दिया, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट गर्मियों में, तब तक के लिए बाय बाय। सो हमारे घर का एक छोटा सा स्टोर रूम है,
जो छत पे है, यहाँ पे मैं अपने घर के वेस्ट रखते हैं। इसके बंद इसलिए करते हैं क्योंकि रोमियो टिंगू इसको इजीली सिर मार के खोल लेते हैं। ओए मेरा रूसू कुत्ता, रूसू डॉगी, आजा तेरे को इतने सारे डोसे खिलाएंगे, इतने सारे डोसे खिलाएंगे, आजा आजा मैं खिलाऊंगी आज, गुड बॉय, आजा भाई, टिंगू रुसा दिया भाई, गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय, कम 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 कम, बात मानता है ये मेरी, चलो चलो चल आगे चल मेरे से, हाँ गुड, चलो चल चल चल, वेयर इज योर कटोरा, कटोरा गए, कटोरा ना ना अंदर खाएगा, अंदर घुस गया है, इसको अंदर घुसाना नहीं है, आ जा आ जा इधर बैठो, आ जाओ जल्दी से, गाजर ले आएंगे, अब गाजर के पीछे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ भाई, टिंगू मान गया हमारा, उस साइड से आ देख, वेरी गुड, उस साइड से आओ, इधर आ इधर, इस साइड आ, इधर इधर से कोने में फंसा देंगे इधर बुला के, हाँ हाँ हाँ, उड़ क्या मुश्किलों का सामना पार करते हो आया ये इतने छोटे से रास्ते में से, तेरा रास्ता बंद कर दें, टेबल बंद रह जाएगा यहाँ पे, रोमियो शीशे में से इंटरेक्ट कर रहा है हमारे साथ, क्या 2 महीने के अंदर खानी है ये वाली, हम सॉस लेकर आए थे, सो ये 100% नेचुरल एंड ऑर्गेनिक है, बाकी इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है, उस दिन हम शॉप पे जो कंफ्यूज हो रहे थे, सो एट लास्ट हमने लिए ऑर्गेनिक है, और हमने थोड़ा बहुत ही होगा 20-30 रुपए का और तक, सो एट लास्ट हमने डोसे से पेट ना नहीं भरा तो हमने राइस बनाए, और अभी ठीक है पेट फुल, ठीक है तो मैं जा रही हूँ, राइस रखे हैं रात के, नमकीन चावल वो दे सकते हो मोटू को, तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए क्योंकि ऑलमोस्ट 1:15 हो गया, अभी मेरे काम में आज थोड़ा सा डीले हो गया क्योंकि मेरा डोसा बना नहीं, तो एक्स्ट्रा काम हो गया थोड़ा सा, और कुछ हम टिंगू के साथ बैठ गए तो आलस आ गया, और इसलिए अभी सबसे पहले मैं जा रही हूँ नहाने के लिए क्योंकि फिर ऐसा ना हो दोपहर हो जाए और आलस आ जाए, तो मैं पहले नहा लेती हूँ। आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अपना वेट है ना कभी भी इंक्रीज मत करना, क्योंकि जो वेट को कम करने की जो जर्नी है ना वो बहुत बहुत गंदी है, बहुत डिफ़िकल्ट है, एक तो वर्कआउट के बाद आपकी बॉडी में इतना पेन रहेगा, इसके बारे में ना आप किसी को बोल सकते हैं, क्योंकि वर्कआउट करके मैं दिन में 1 घंटा जो सोती हूँ ना, 1-1.5 घंटा, उसमें भी है ना इतना दर्द होता है जब मैं वापस उठती हूँ शाम को, और बहुत ही बुरा, मैं काफ से लेके हर चीज़ दर्द करती है, वर्कआउट का दर्द बहुत गंदा, ये हमारा टिंगू है, ये डेली भगवान की पूजा करते हुए यहाँ मिलता है, ये हमारा मंदिर है, आज इसने मंदिर की तरफ पैर कर रखे थे, और ये है हमारा रोमिया, रोमिया कह रहे हैं मेरे को क्यों नहीं कर रहे आज, इसके भी कर दो भाई थोड़ी देर, खुशी मिल गई, वो डॉगी है जिसको इज्जत से रोटी देते हैं तो ये नहीं खाता, इस टाइम पे ये झपट झपट की रोटियां।